तो यहाँ जो आप लोग जो शादी ब्याह वगैरह जो होते हैं तो वो लोग आप लोग अपनों में करते हो या गैरों में भी? तो देखें, ये लोग बहुत ही अपने ज़िंदगी से सेटिस्फाई हैं, मुतमिन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। उस जैसे आज मैंने अपने व्लॉगिंग के स्टार्ट की अर्ली मॉर्निंग, आज से तकरीबन 22 सितंबर है, तो मैं निकला हूँ बलूचिस्तान की सैर पे। तो बलूचिस्तान की सैर पे चलते, गांव की सैर पे चलते हुए कुछ मेरी माएँ बहनें ये बैठी हुई हैं, इनके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो काफ़ी हार्ड वर्क ये कर रही हैं खेतों में खलिहानों में। तो मैंने ये सोचा कि आज इनके ज़िंदगी पे एक व्लॉग बनाया जाए, आइए देखते हैं इनकी क्या तकलीफ़ क्या परेशानी है इनकी और कहाँ से ये चले हैं, किस कॉस्ट क्या है इनकी, कौन सी कॉस्ट से ये बिलीव करते हैं या बिलोंग करते हैं, किस एरिए से। तो ये मेरा भाई ये खड़ा हुआ है, इससे ज़रा पता करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलूबीन। गुलूबीन जी। गुलूबीन के रिलीजन क्या है आप लोग का? रिलीजन हिंदू है हम जी। जी और भील जात है हमारी, भील कौम है आपकी जी। ठीक, तो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो आप? यहीं बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध, पंजाब कहाँ से? हम सिंध से हैं। सिंध से आप? हाँ। डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ ज़िला मटियारी तेलका आला जी। हाँ। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट, अब खैर मैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, तो मैं इसको एक ही डिस्ट्रिक्ट बोलूँगा। लोग तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गया है, अब अलग हो गया और ये सेपरेट हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, ये एक ही ज़िला है। तो आप क्या समझते हो कि यहाँ के लोगों में और इंटीरियर जो सिंध के लोग हैं उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, तो इधर मजदूरी सही है, मजदूरी मिलती सही है। जिस टाइम आप मजदूरी करके निकल जाते वापस, उस शाम को आपको पैसे मिल जाते हैं जी। हाँ, मजदूरी मिल जाती है इधर, इधर ये है, उधर दो तीन दिन बाद में मिलती है मजदूरी। जहाँ एक कपास चुन रहे हैं जी, इसकी वजह से कपास जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलते नहीं मिलेंगे जी। हाँ। तो मतलब खैर मैं तो समझता हूँ हमारी एक ही लैंग्वेज है, चाहे वो सिंधी हो लासी, कुछ ही फ़र्क है, कुछ ही डिफरेंस है उसके अंदर। तो सिंध के लोग और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रसबेला के लोगों के अंदर क्या फ़र्क है? ये इधर रसबेला मैं गया नहीं हूँ, मैं इधर यही डिस्ट्रिक्ट है, तो इधर इज्जत है मजदूर की, इज्जत है, उधर नहीं है, यही डिस्ट्रिक्ट है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लासी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि इंटीरियर बलूचिस्तान से जैसे खोजदार से लोग आते हैं, वट से आते हैं, हालांकि मैंने ये देखा कि यहाँ के लोगों पे बाहर के लोग आते हावी हो जाते हैं जी। और हालांकि हमारी जो यहाँ के लियासी बरादरी है वो भी देखें इस वक्त कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनका अच्छाई का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही है ना जी। हाँ जी। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर खुश हो, सेटिस्फाई हो यहाँ पर? तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? हमारे को तो इतना टाइम नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं, हमारे को टाइम इतना नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, अब एक बात और मैं पूछूं, अगर जैसे मजहबी रसूमात आप लोग अदा करते हो, तो इस ज़िले के अंदर या यहाँ के जो हमारे मकामी जो लासी हैं उन्होंने कभी इंटरफेयर की कि जी? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं? नहीं नहीं। ठीक है ना। ठीक। आप लोग अपने मर्ज़ी के मालों को अपनी पूजा पाठ करते हो, अपने रसूमात मतलब वो अदा करते हो? हाँ, जो भी कर सकते हैं वो हम अपने अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जी। हाँ। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर कोई तासब को रेशिज़म के जी ये हिंदू है हम मुसलमान है, ऐसी कोई बात? नहीं नहीं हुई है अभी तक, तो नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगी भी नहीं। मैं वसूक से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रसबेला के जहाँ भी मैंने जितना भी ट्रेवल किया है, तो यहाँ के लोगों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है। तो यहाँ जो आप लोग जो शादी ब्याह वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग आप लोग अपनों में करते हो या गैरों में भी करते हो? जैसे हम में तो गैरों में भी करते हैं, अपनों में भी करते हैं, तो आप लोग के अंदर क्या रस्म है? हम गैरों में करते हैं, हम अपनों में नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। जी हाँ, गैरों में करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग हैं, या ज़रा धुआँ आ रहा है, मेरी बहन चाय बना रही, तो कितने तकलीफ़ के अंदर ये लोग काम करते हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यहीं बैठा रहूँ, अगर मुझे धुआँ भी लग रहा है तो आप तो ये बात पहुँचे कि कितनी मतलब मुश्किल कठिनाइयों के अंदर ये लोग काम करते हैं। तो क्या रीज़न है मतलब अपने के अंदर आप लोग रिश्ता क्यों नहीं करते हो? कोई मजहबी मतलब उसके अंदर या मजहबी है और अपनों में हम नहीं करते हैं, मजहब की वजह से। मजहब की वजह जी। हाँ जी। हाँ, ये बात आपकी सही है। बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं, क्योंकि मैं अरब कंट्रियों के अंदर भी रहा हूँ,
तो उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत से लोग जो अपनों के अंदर नहीं करते, तो ऐसे आप सही कह कि हिंदुओं के अंदर भी ये रस्म है, तो ज़रा मेरी बहन को बुला दे, ज़रा इनसे हम बात कर लें कि ये किस तकलीफ़ के अंदर, किस परेशानी के अंदर यहाँ पर बात नहीं है। आप ट्रांसलेट कर लेना ना, बात वो करेंगे आप उसका उर्दू में ट्रांसलेट करना। आइए ज़रा आगे चलते, इन्हीं के पास चलते हैं। जी बहन आप आए, जी अदी जी बोले बोले, कुछ भी बोलो, ट्रांसलेट ये करेगा आप बोलेंगे। मैं सही हूँ, बस गरीब मिनकों सिंधु आया मजदूरी आटो। जी अदी ठीक हो? कि गरीब मिनकों सिंधु आया मजदूरी आटो। अदी सब का पहरी तो ये बुदायो हते का ता के तकलीफ का परेशानी कभी कुछ कोन तकबील सिंधी तो गाना से बोलता ना। हां कुछ कोन तकबील है, सही है या थी जिंदगी ता जी की पई गुजरे हते हते गुजरे थी बेहतर या सिंध इलाके में बेहतर हो इतनी सुठी तो जिंदगी गुजरे भाई। तो देखें ये लोग बहुत ही अपने ज़िंदगी से सेटल फाई हैं, मुतमिन हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करते हैं कि गरीब तो हैं लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत, और मैं समझता हूँ कि जो अपने घर अपने फैमिली के साथ बहुत वफादार हैं। तो जी अम्मा आप कुछ कहना चाहोगे, आप ज़रा इस तरफ आ जाओ। ये बहन तो मेरी बोल रही है, बहन आपने नाम अपना नहीं बताया। सदोरी आपका बहुत शुक्रिया, ये एरिया आपको कैसे लगा? सुठा है, सही है, मौसम सही है। तो फिर गांव वहाँ आपके कोई रिश्तेदार वगैरह सिंध में हैं या नहीं? मेरे माई का बेटा है। आपका माई का? अच्छा माई का आपका वही है। अच्छा ये बता रहे हैं कि उसका माई का इसका वहाँ है, भाई बेटा है, बहन है, उसे परिवार सब उधर है। अच्छा मतलब ये परिवार जो इनका डिवाइड है, आधा यहाँ है आधा इंटीरियर सिंध गोटकी के अंदर है। जी जी अदी तां थोड़ो नज़दीक अचो मुझे अम्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। गरीब माण्हू हिते आया मजदूरी ला करे, हिते मजदूरी सही आहे, बोड में अची विया हिते सिंध खां हिते हिते आया। सभिनी खां पहिरीं त पंहिंजो नालो ॿुधायो तव्हां। केली। केली बता रही है मेरी बहन के जो फ्लड वहाँ पर आया था, सैलाब आया था, सैलाब की वजह से ये मतलब हिजरत करके बलूचिस्तान के एरिए में आ गए विंदर में। तो अब इनका दिल काफ़ी लग गया है यहाँ के लोग, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ मैटर करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, वक्फे पे वक्फे इनकी मतलब मदद भी करते रहते हैं, और कोई ऐसी भेदभाव उनके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिलीजन इनका हिंदू है, भील कबीले से इनका ताल्लुक है। जगह जगह पर आपको मेहनत मजदूरी में मुख्तलिफ जहाँ पर खेत है खलिहान है ये लोग आप लोग को मिल जाएंगे। बहुत ही मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। इनके हवाले अगर आप पूरा बगीचा भी करके जाएं तो एक दिन का भी आपका इधर से उधर नहीं होगा। सर आप ज़रा नज़दीक आएंगे? नाम क्या है आपका? जी राजू आप बताएं ज़रा क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं इधर, मजदूर बच्चों के लिए खाना वाना लेके आते हैं शाम को। जी सैलाब की वजह से आए हैं इधर, खुशहाली लगी पड़ी है। बस अल्लाह पाक करके बस ऊपर वालों के आप लोगों के ऊपर कृपा हो। ये यही बता रहे हैं कि फ्लड के वजह से सैलाब की वजह से यहाँ पर आएँ, लेकिन यहाँ जब आएँ तो उनका दिल यहाँ पर लग गया है। कि मज़ीद भी ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो फैमिली के जो लोग जो डिवाइड हो गए कुछ वहाँ पड़े हुए हैं उनको भी हम यहाँ ले आएँ। एक बहन जो मेरी बैठी हुई है धुएँ के ऊपर भी चाय बना रही है, तो ये जो बैठी हुई है मेरी बहन ये ज़रा बात करना चाहेंगी? अजी तक आ रहे हैं कुछ अचानक के कारण कौन तो अच्छे। तो राजू मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, ऐसे ही मेहनत करते जाएं, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे, जो आप लोग का भी बुरे वक्त में आप लोगों का ख्याल करें, ठीक है। एक मेरी बहन है जो चाय बना रही है, ज़रा मैं ये दिखा दूँ कौन सी चाय बना रही है। अदी तव्हांजो नालो? गोरी। गोरी सिंधी ॻाल्हाए सघो था? हाय। हाँ का के टेक यो चाय भी बनाए? गोरी चाय बनाए भी। चाय कड़ी गुड़ वाली या खंड वाली? वो खीर वाली। खीर वाली। खीर वाली चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ता खुश आयो, दिल लगे थी ता जी अदी। हां बस गुवारी दुआ करियो ते जे जो बाग आ वडेरो जो उन के भी अल्लाह पाक आबाद करे। हां ठीक है। और पान में बहन बा रहियो को रिलीजन जो को मसलो कोने, ता जो रिलीजन पांजे जगह ते सुठो आ, असा जो पांजे जगह ते सुठो आ, ई है ना मां? हां ठीक है ना। हाँ ठीक है जी। अदी
बस अधी थोड़ो ये था थोड़ो कैमरे में चो तो चार मानू भी बुदन था अधी मुझे छा पे चाहे जरा देखो मेरी बहन क्या कह रहे हैं जी जी असि जाए तो सिंध वनी ने थे सही असा जो मुल्क थे सही मुल्क भी सुठा है ते मानू भी सुठा न बस ते जमाने ना दुआ करो कि अल्लाह पाक मिट मिटन के चाहे ते अज सुन छड़े ते मान भी चा तो असा के भी किस्मत एरा खणी आई है तो असा आया हूं और बाकी दिसना ता हिंदू असा मुसलमान ये तो रब जो जोड़ियो ने ठीक है इन गाल जो को फैसलो को तो कर सके के बाबा मुसलमान या हिंदू दुनिया के अंदर हजारों किस्म जा मुसलमान हैं बौद्ध हैं हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं ते खाली पेट भरना पर ते सही है सुख सा गुजारता जिंदगी बस बड़ी मेहरबानी तो जी यदि अब ये बहने मेरे कह रही हैं कि हम यहाँ पर इतने सटलफाई हैं इतने बुध महीने के जितने हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ मटियारी के अंदर सिंध के अंदर हैं उनको भी हम यहाँ बुला लें और ख़ास तौर पर जिस वडेरे के ज़मीन पे ये लोग काम कर रहे हैं वडेरा मोहम्मद तो उससे ये इतने मुतमईन हैं कि उसके लिए दुआएं कर रहे हैं और यकीनन इनके साथ भी वो बहुत ही अच्छे होंगे इसीलिए दुआएं कर रहे हैं तो अल्लाह पाक मैं भी उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक करके ऐसे लोग हों जो क्रॉस द बोर्ड किसी मज़हब को ना देखें क्यों मज़हब तो हमने आपने ये तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अगर अल्लाह चाहे किसी को मुसलमान कर सकता है किसी को हिंदू कर सकता है तो हम इस मैटर में जाने नहीं चाहते जी यदि तां कुछ हो पे जी वडेरे के बारे में तां कुछ सही है वडेरो जमींदार सुठो है जी तो बस अधिक माने मजदूर वडेरे जी करदा से बे पासे किथे हुंदी त बनी बारो ते कर वडेरे जी सहूलत आ रोड जो पानी भी दुकान भी सब कुछ सही है हां तो के इनका कहने का मतलब ये है कि भी हम यहां पर पूरी आजादी से रहते हैं इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होता जैसे किसी को कैप्चर करके गुलाम बना के रखते हैं तो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो जिन वडेरे के ज़मीन पे मतलब ये बाजार कास्ट कर रही है तो उनके लिए भी ये सारी पूरी फैमिली जो है दुआएँ कर रही है तो यकीनन वो भी बेहतर इंसान होगा इनके लिए करता होगा ठीक है ना तो अल्लाह पाक आप लोगों को साथ रखे आबाद रखे चैनल मेरा देखते रहें क्योंकि हमें जाना है दोबारा कराची तो पाक परवरदगार आप लोगों को हर मुश्किल से बेवजू रखे और मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बहनें हमारे भाई हैं यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है तो अल्लाह पाक इनको भी अपने हिफाजत में रखे पाक परवरदगार थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़।